नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सागर सातपुते। मैं हूँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और एंडोवेस्कुलर स्पेशलिस्ट। तो आज हम जानते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है क्या। जैसे रेडियोलॉजी सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इन इमेजिंग टेक्निक के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं, वैसे ही एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इन्हीं इमेजिंग टेक्निक के द्वारा बॉडी के अंदर पहुंच के कुछ बीमारियों को ठीक करते हैं, जिसे हम एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी टेक्निक कहते हैं। ये ट्रीटमेंट्स नॉन सर्जिकल यानी कि बिना सर्जरी, बिना चीरा के होती है। इसकी वजह से एक छोटे से पिन होल द्वारा मैक्सिमम बीमारी ठीक हो जाती है, रिजल्टेंट हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और रिकवरी बहुत अर्ली होती है। चलिए हम देखते हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में कुछ ट्रीटमेंट बिना चीरा यानी बिना सर्जरी के कैसे हो पाती है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं वेरिकोज वेन्स। पुराने जमाने में वेरिकोज वेन्स को कट करके निकाल दिया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारे कट्स, बहुत सारे स्टिचेस, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन लेजर या फिर एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट्स के द्वारा ये ट्रीटमेंट्स इतनी मिनिमली इन्वेजिव हो चुकी है, जिसकी वजह से एक दिन में ही आप अपने रूटीन एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हो। तो वेरिकोज वेन्स ठीक करने के लिए एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक छोटे से होल के द्वारा लेजर फाइबर डाल के इन वेन्स को बंद कर देते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक है। साथ में ही स्क्लेरोथेरेपी जैसी मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होती है, जिसमें एक छोटे से निडल द्वारा स्क्लेरोजन करके दवाई वेन्स में डाली जाती है, रिजल्टेंट ये वेन्स बंद हो जाती है और इनके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी बीमारी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। डीवीटी ये बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत सारे लोगों का इसका सही इलाज नहीं पता है। अगर आप समय पे हॉस्पिटल पहुंचते हो तो एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट द्वारा ये क्लॉट्स हम निकाल सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में शरीर के वेन्स में क्लॉट्स हो जाती है, तो इन क्लॉट को निकालने की सर्जरीज होती है। ये क्लॉट्स पैर से ऊपर ना जाए, इसलिए हम आईवीसी फिल्टर डाल सकते हैं और इन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइसिस, ये सारी ट्रीटमेंट्स एक छोटे से पिन होल द्वारा हो जाती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करते हैं तो पेशेंट को पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिक्वेली यानी कि बीमारी ठीक होने के बाद भी जो लक्षण होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। तीसरी ट्रीटमेंट है गैंग्रीन। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी की उंगली काली पड़ जाती है, पैर काले पड़ जाते हैं या फिर इन्फेक्शन हो जाता है और डायबिटीज के नाम पे उस पेशेंट का पैर कट जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट है जिनमें ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेजेस की वजह से उनकी उंगली काली पड़ जाती है। तो अगर एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके पैरों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता है और पैरों का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो 70-80% केसेस में हम एम्पुटेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। थायराइड नोड्यूल यानी कि थायराइड में गठान होना, ये बहुत ही सिंपल सी और कॉमन बीमारी है, जिसमें कन्वेंशनली थायरॉयडेक्टोमी यानी कि थायराइड लोब को पूरा निकाल देना ये ट्रीटमेंट होती थी। लेकिन थायराइड नोड्यूल ये पूरे थायराइड का एक कुछ पार्ट होता है जो एबनॉर्मल होता है, उस छोटे से पार्ट की वजह से पूरे थायराइड को निकालना ये उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं है। थायराइड नोड्यूल एब्लेशन में एक छोटे से निडल द्वारा हम नोड्यूल तक पहुंचते हैं और हीट द्वारा उस नोड्यूल को श्रिंक करते हैं। इसकी वजह से बचा हुआ नॉर्मल थायराइड जो फंक्शनल है उसे हम बचा सकते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी को निकालना प्रिवेंट कर सकते हैं। यूटेरस में जो नॉन कैंसरस गठाने होती है उनको हम एक एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट जिसे हम यूटेराइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कहते हैं, इसके द्वारा उसका ब्लड सप्लाई बंद करके उसका साइज श्रिंक करके उसको ठीक कर सकते हैं और हिस्टेरेक्टोमी प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ कैंसर में भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ कैंसर है जिनमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है जिसकी वजह से उस कैंसर की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर ऐसे कैंसर में अगर हम ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं या उस कैंसर का ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ श्रिंक हो जाएगी और कई हद तक उसको हम कंट्रोल करके पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं। नॉर्मली इन ट्रीटमेंट को एम्बोलाइजेशन कहते हैं। बहुत कॉमन सी ट्रीटमेंट है लीवर कैंसर के लिए ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ऐसे कई कैंसर्स हैं जिनमें हम ब्लड सप्लाई बंद करके उन कैंसर्स की ग्रोथ कम करते हैं और पेशेंट की उम्र हम बढ़ा सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम लंग्स के, बोन के ट्यूमर्स को एक छोटे से निडल द्वारा हीट से श्रिंक करते हैं। हीट के वजह से ये ट्यूमर श्रिंक हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। किसी पेशेंट को अगर बहुत लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत है तो पंप कैप डालना यानी कि कैथेटर डालना, फिशुला बनाना, फिशुलोप्लास्टी करना, जब सोनोग्राफी या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ये फील्ड नहीं थे तब ये सारे पाइप्स ब्लाइंडली डाले जाते थे। लेकिन अभी हम सोनोग्राफी में देख के एक सिंगल प्रिक के द्वारा ये लाइंस डालते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत बार प्रिक करने
करने की ज़रूरत नहीं होती है और सोनोग्राफी में देख के एक ही बारी में एक प्रिक में ये पाइप्स डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जो अभी बीमारियाँ सुनी उसमें हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक यानी एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट से उनको एक छोटे से पिन होल द्वारा ठीक कर सकते हैं, जिससे आप एक बड़ी सर्जरी अवॉइड कर सकते हो और आपको अर्ली रिकवरी का एक मौका मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी कोई बीमारी से परेशान हैं तो आप आपके डॉक्टर से मिलके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रेफरल ज़रूर लें, या फिर आपके निकटतम एंडोवेस्कुलर स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए।